तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बोल्ट ऑडियो प्रो पॉड्स एक्स को बोल्ट ऑडियो गियर पॉड्स के साथ। ऑल राइट, सो है व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज अजय शिंदे बैक इन टू द गेम विद न्यू वीडियो। दोस्तों बोल्ट ऑडियो का एक नया TWS लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम होने वाला है बोल्ट ऑडियो प्रो पॉड्स एक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसे कंपेयर करने वाले हैं बोल्ट ऑडियो गियर पॉड्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो की, तो यहाँ पे दोनों ही जो डिवाइसेस है उनमें ड्राइवर साइज जो है वो मेंशन नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे हमें हाई क्वालिटी साउंड जो है वो सुनने को मिलेगा। और दोनों ही जो ईयरबड्स है उनमें हमें माइक्रो वूफर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, इससे क्या होगा हमें एक्स्ट्रा बेस जो है वो सुनने को मिलेगा। अभी बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे दोनों ही जो ईयरबड्स है उनमें हमें 32 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है केसिंग के साथ। जी हाँ दोस्तों, और एक सिंगल ईयरबड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें 8 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही डिवाइसेस में हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर आपने इसे 10 मिनट्स भी चार्ज किया तो यहाँ पे आपको 100 मिनट्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है। और चार्जिंग इंटरफेस भी सेम होने वाला है, यहाँ पे हमें टाइप सी का चार्जिंग इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे हमें टच कंट्रोल का सपोर्ट मिलने वाला है जिसके वजह से यहाँ पे हम म्यूजिक को मैनेज कर सकते हैं, कॉल्स को मैनेज कर सकते हैं, साथ ही साथ वॉइस असिस्टेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमें दोनों ही डिवाइसेस में गूगल वॉइस असिस्टेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ सीरी को भी एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे दोनों ही जो ईयरबड्स है वो IPX5 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है कलर्स में। जी हाँ दोस्तों, बोल्ट ऑडियो प्रो पॉड्स एक्स में हमें ब्लैक, व्हाइट और रेड कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वही दोस्तों बोल्ट ऑडियो गियर पॉड्स में हमें ब्लैक, व्हाइट और ब्लू कलर ऑप्शन देखने को मिल रहे थे। तो बस दोस्तों ये कलर्स में ही डिफरेंस होने वाला है, बाकी सब जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशन है वो सेम है, मतलब प्रोडक्ट ही सेम है, लेकिन सिर्फ ये Amazon के ऊपर लॉन्च होने वाला है और बोल्ट ऑडियो गियरपॉड जो है वो पहले ही Flipkart के ऊपर लॉन्च होके गया है। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, दिस इज अजय शिंदे ओवर एंड आउट।